हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 में बेटा एक्सरसाइज के सम सम कर रहे थे। आज देखते हैं 11.4 से 11.3 तक लास्ट हमने करवाया था। 11.4 जो है उसमें आपको क्वेश्चन ऐसा दिया है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस बाय अ हीलियम नियॉन लेजर। द पावर एमिटेड इज 9.42 मिलीवॉट। कितना पावर यहां से एमिट हो रहा है? 9.42 मिलीवॉट, मतलब 10^-2 कितना? -3 मिलीवॉल्ट है। और आपको यहां पे जो भी वेवलेंथ दी है वो नैनोमीटर में है, इसलिए यहां पे 10^-9 होगा। और एच की वैल्यू और सी की वैल्यू हम जानते हैं, तो फाइंड क्या करना है? फाइंड द एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम। एनर्जी भी फाइंड करनी है और मोमेंटम भी फाइंड करनी है ईच फोटोन। तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एच न्यू। कौन सा फॉर्मूला है? एच न्यू। सबसे फर्स्ट इसको हाईलाइट करते हैं। एच न्यू जो है इस पे न्यू का फॉर्मूला है सी बाय लेमडा, तो यहाँ पे एच सी बाय लेमडा लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं, लेमडा आपको दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे सारे, एच की वैल्यू, सी और लेमडा की वैल्यू। कैलकुलेशन करोगे तो 0.03143 आंसर आएगा, बट यहाँ पे 13.143 अगर करना है तो 2 पॉइंट इस साइड पे ले जाएंगे, तो ये 10^-19 जूल एनर्जी है तो जूल में होगा। ठीक है, दूसरा फाइंड करना है मोमेंटम। तो वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच का रिलेशन था डी ब्रोगलीस वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। ठीक है, तो पी को यहां से बेटा सब्जेक्ट बनाओ तो एच बाय क्या हो जाएगा? लैम्डा। एच की वैल्यू जानते हो आप, 6.63 × 10^-34, और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, दोनों वैल्यू रखी तो 0.01047 × 10^-25 होगा, और ये यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख सकते हो, अदरवाइज दूसरा यूनिट है न्यूटन इंटू सेकंड। याद रखो मोमेंटम का दूसरा यूनिट कौन सा है? न्यूटन इंटू सेकंड। दोनों यूनिट में से कोई भी यूनिट आप लिख सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट है अपना। इसमें बी नंबर आपको दिया है, बी का क्वेश्चन है हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन द एवरेज अराइव्ड एट द टारगेट इररेडिएटेड बाय दिस बीम। अज्यूम द बीम टू हैव अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल विच इज लेस देन द टारगेट एरिया। हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड, ये वर्ड जब भी आपको दे क्वेश्चन में तब याद रखो हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में कितने फोटोन एमिट हो रहे। तो फॉर्मूला था इलस्ट्रेशन फर्स्ट में ही ये फॉर्मूला हमने यूज किया था, पी इज इक्वल टू एन ई। पी मतलब पावर, एन नंबर ऑफ फोटॉन्स और फोटोन पर एनर्जी। ठीक है, क्या एनर्जी ऑफ ईच फोटोन मतलब कैपिटल ई, हमें एन फाइंड करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स, पी डिवाइड बाय ई हो गया। पी की वैल्यू पावर की हमें दी है 9.42 × 10^-3, और एनर्जी हमें यहां से मिली, ये वैल्यू यहां पे रखी, नंबर ऑफ फोटोन की वैल्यू मिली, ये आंसर है। लास्ट में यूनिट आपको कंपलसरी लिखना है फोटोन पर सेकंड, क्योंकि पूछा है पर सेकंड कितने फोटोन जनरेट हुए। ओके, लास्ट आपको सी सेक्शन में फाइंड करना है स्पीड। तो मोमेंटम और स्पीड के बीच का रिलेशन है पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, तो एम इंटू वी, V को सब्जेक्ट बना, यहाँ पे हो गया P, P मतलब मोमेंटम, मोमेंटम यहाँ से हमने यहाँ पे फाइंड किया है 0.01047 × 10^-25, और आपको हाइड्रोजन एटम दिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम है दैट मीन्स उसका मास कितना होगा? 1.67 × 10^-27, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे स्टार कर देता हूँ। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम का मास है 1.67 × 10^-27,
इट इज इक्विवेलेंट टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसके मास से इक्विवेलेंट। डिवाइडेशन किया, आंसर मिला 0.63 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो ये हो गया 11.4। नाउ मूव ऑन टू 11.5। द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट, द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 1.388 × 10³ वॉट पर मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी फोटोन्स पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट ऑन द अर्थ पर सेकेंड। अज्यूम दैट द फोटोन्स इन द सनलाइट हैव द एवरेज वेवलेंथ ऑफ 550 नैनोमीटर। एवरेज वेवलेंथ आपको दी है 550 नैनोमीटर, तो इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी फोटोन्स, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स ही फाइंड करने। तो वही फॉर्मूला यूज करो, पी इज इक्वल टू एनी। चलो आपको कौन कौन सी क्वांटिटीज दी हुई है, तो एक तो लेमड़ा आपको दिया है, सो दैट इसको लेमड़ा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ फोटोन फाइंड करना, एन को सब्जेक्ट बना दो, पी डिवाइड बाय हो गया ई, पी डिवाइड बाय ई की वैल्यू नहीं है तो एच सी बाय लेमड़ा में कन्वर्ट कर दी, लेमड़ा जाएगा ऊपर, पी लेमड़ा बाय एच सी हो गया। यहाँ पे है नंबर ऑफ फोटोन मतलब एन, ठीक है ना। चलो सारी वैल्यूज रखी, P की वैल्यू है 1.388, एनर्जी फ्लक्स का मीनिंग होता है वन काइंड ऑफ पावर, ठीक है, एनर्जी फ्लक्स, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर बोला है तो एक मीटर स्क्वायर में कितना वॉट पावर जनरेट होता है, कितना पावर जनरेट होता है, तो अल्टीमेट आपको पावर ही दिया है, लैम्डा आपको दिया हुआ है, H की वैल्यू हम जानते हैं, C की वैल्यू जानते, सारी वैल्यूज रखी, कैलकुलेशन किया, यहाँ पे पावर आया 10^20। चलो एक पॉइंट को बेटा शिफ्ट कर दिया आगे यहाँ पे, तो 3.838 × a हो जाएगा 10^21। पर हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं तो एक राउंड फिगर लेना पड़ेगा, तो 3.383 फोटोन ऐसा बोलेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट उससे हमें ऐसा बोलेंगे कि भाई चलो 3.838 दैट मीन्स अप्रोक्स 4 × 10^21, तो ये थोड़ा मतलब सही रहता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन जो है उसको राउंड अप कर दो इस फिगर को, तो 4 × 10^21 फोटोन्स पर सेकंड आपका आंसर होगा। तो दोनों सेम ही है, देखो इसका सेकंड पार्ट और ये सम, ये दोनों एक्चुअल में सेम है, बट यहाँ पे जो एनर्जी है वो ई के फॉर्म में थी, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे फाइंड कर चुके थे, वो यहाँ पे हमने इसके साथ मर्ज करके फाइंड किए। क्लियर, तो 11.6 करते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज को यहां पे वी नॉट देते, ठीक है, और सेकंड क्या बोला है, वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज फाउंड टू बी 4.12 × 10^-15 वोल्ट इंटू सेकेंड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक कॉन्स्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट मतलब एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इसमें से, और आपको एक स्लोप दिया है, यहाँ पे कट ऑफ वोल्टेज है, कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये दोनों की वैल्यूज, स्लोप की वैल्यू आपको दी है 4.12 × 10^-15 वोल्ट इंटू सेकेंड। चलो तो यहां से हम स्लोप में से देखो, कोई भी स्लोप होता है तो उसमें वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइड बाय एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होता है, तो ये वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब ये डेल्टा वी हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस दैट मीन डेल्टा न्यू हो गया, तो डेल्टा वी नॉट डिवाइड बाय डेल्टा न्यू दैट मीन्स 4.12 × 10^-15 एंड वी हैव टू फाइंड अ एच। तो H और V नॉट के बीच का रिलेशन है H न्यू इज इक्वल टू EV नॉट, थियरी में हमने देखा था H फाइंड करना है, न्यू नीचे जाएगा, ये दोनों वैल्यू डेल्टा के फॉर्म में, इसलिए इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर दो, E की वैल्यू हम जानते हैं और ये वैल्यू आपको गिवन, सीधी वैल्यू रख दो, दोनों का मल्टीप्लाई किया, आंसर मिला 6.592
और ए दोनों का भी प्लस किया पावर का, तो आंसर मिला 10^-34। एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट, उसका यूनिट होता है जूल इनटू सेकंड। क्लियर? तो याद रखो ये जो वैल्यू आनी चाहिए आपका आंसर, वो एक्चुअल अपनी वैल्यू कितनी है प्लैंक कांस्टेंट की, 6.63 × 10^-34। तो आप खुद ही चेक कर सकते हो, 6.63 इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 6.592, इसके नियर बाय वैल्यू है, तो अपना आंसर राइट है क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसके साथ इसको कंपैरिजन करेंगे तो लगता है कि दोनों सेम वैल्यूज है। ठीक है, अच्छा मूविंग ऑन टू 11.7। इलेवन पॉइंट सेवन में भी सेम ही है सब, तो अभी कुछ एग्जांपल है उसकी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। आपको एक 100 वॉट सोडियम लैंप रेडिएट्स एनर्जी यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस। एक 100 वॉट का सोडियम लैंप है, वो सभी डायरेक्शन में एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। द लैंप इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए लार्ज स्पीयर एंड एब्जॉर्ब्स ऑल दी सोडियम लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, द लैंप इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द लार्ज स्पीयर, एक लार्ज स्पीयर है उसके सेंटर में है वो। ठीक है, और वो जो एब्जॉर्ब ऑल सोडियम लाइट, जितनी सोडियम लाइट है सबको क्या कर लेता है वो, इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। द वेवलेंथ ऑफ द सोडियम लाइट इज 589 नैनोमीटर। देखो आपको लेमडा दिया हुआ है और पावर भी दिया हुआ है, नैनोमीटर है तो 10^-9 होगा। तो फाइंड क्या करना है, फर्स्ट में फाइंड करना है व्हाट इज द एनर्जी पर फोटॉन। फर्स्ट एग्जांपल किया वैसे ई इज इक्वल टू एच न्यू फॉर्मूला है, एच सी बाई लेमडा कर दो, आंसर मिल जाएगा। सेकंड फाइंड करना है एट व्हाट रेट आर द फोटॉन्स डिलीवर्ड टू द स्पीयर। व्हाट रेट मतलब फोटोन पर सेकेंड, तो वही फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एनी वाला फॉर्मूला जो फर्स्ट और सेकंड सब में किया वही है। तो फिर से वही रहो, इसमें से N को सब्जेक्ट बना दो, E की वैल्यू ऊपर दी हुई है और पावर हमें ऊपर 100 वॉट दिया है, वैल्यू रखो सीधा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 11.8, 11.9 उसकी पूरी हिंट मैंने यहाँ पे लिखी हुई, उसमें भी यही फॉर्मूला है एच न्यू इज इक्वल टू एक था केमैक्स प्लस फाई नॉट वाला फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें से एच न्यू इज इक्वल टू के मैक्स को हम क्या बोलते हैं, ई बी नॉट बोल सकते, प्लस हो जाएगा वर्क फंक्शन फाई नॉट, जिसमें से हमें इस सब में क्या फाइन करना है, हमें वी नॉट फाइन करना है, तो मिल सकता है। वैल्यू ही जस्ट रखनी है आपको, जो भी आपको डेटा दिया हुआ है वो सब वैल्यू रखो, हिंट में आंसर मिल जाएगा। 4.9 में भी आपको एक वर्क फंक्शन दिया है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेमड़ा है 330 नैनोमीटर, नैनोमीटर को कन्वर्ट कर दो मीटर में, मतलब 10^-9 मीटर हो जाएगा। ओके, चलो E इज इक्वल टू एच न्यू हमारा फॉर्मूला है, अभी न्यू है उसको सी बाई लेमड़ा बोल सकते हैं, बट ये तो जूल में है, अभी इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो याद रखो यहाँ पे मैं स्टार कर देता हूँ, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेटा कन्वर्ट करना हो तो E से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, इसलिए आप वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे जो एनर्जी मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। ठीक है, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पूछा है, विल दिस मेटल गिव द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर। विल दिस मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये जो इफेक्ट है, ये जो मेटल है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एमिट करेगी या नहीं करेगी, उसके लिए कंडीशन है। अगर एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन होती है तो एमिशन पॉसिबल है, एमिशन टेक प्लेस, अदरवाइज नॉट। कंसेप्ट याद रखना, अगर इंसिडेंट जो लाइट है, इंसिडेंट फोटोन है, उसकी एनर्जी अगर उसके वर्क फंक्शन से ग्रेटर हो जाती है तो एमिशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। बट इस केस में आप कैलकुलेशन करोगे तो ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो इसमें एमिशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है,
अब कैलकुलेट कर सकते हो। चलो 11.10 और 11.11 दोनों में यही फॉर्मूला है, केमएक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। केमएक्स मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब वन हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स होता है, एच न्यू और माइनस फाइव नॉट। क्लियर। 11.12 जो है उसमें आपको एक वोल्टेज दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोमेंटम एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 56 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस आपको 56 वोल्ट दिया है, पहले क्या फाइंड करना है, मोमेंटम। तो मोमेंटम का डायरेक्ट एक फॉर्मूला था, पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mk। अभी यहाँ पे के मतलब एनर्जी आपको नहीं दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी, बट वोल्टेज दिया है, तो के इज इक्वल टू ई वी फॉर्मूला था। चलो के इज इक्वल टू ई वी रखो, तो ई मतलब 50, वी मतलब 56 और ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 90। तो ए दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 89.6 आंसर आएगा, और जो पावर है वो एज इट इज रखो। अभी ए जो वैल्यू है वो पी की ए वैल्यू अंडर रूट में जो वैल्यू है वहाँ पे रख दो, तो उसका कैलकुलेशन करोगे मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। न्यूटन इंटू सेकंड भी लिख सकते हो, और यहाँ पे जो दूसरा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिखा था वो भी लिखो तो भी राइट है। चलो वही कर देते, कंफ्यूजन ना हो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है, ऐसा यूनिट ही लिखते। दूसरा फाइंड क्या करना है, इसमें से लेमडा फाइंड करना है, तो लेमडा इज इक्वल टू फॉर्मूला है एच डिवाइड बाई पी। एच मतलब प्लैंक कॉन्स्टेंट, और पी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की है, दोनों का डिवाइडेशन करो तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.164 इंटू 10 रेस टू माइनस 9। अगर नैनोमीटर लिखना हो तो ऐसे लिख दो, बट आपको आंसर है वो एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो एंगस्ट्रॉम में पावर कितना होता है, 10 रेस टू माइनस 10 होता है। तो एक पॉइंट इस साइड पे लेके जाओ, मतलब 1.64 इंटू 10 रेस टू माइनस 10 हो जाएगा, तो 1.64 और माइनस 10 दैट मीन्स एंगस्ट्रॉम बोल सकते हो, तो वेवलेंथ होगी 1.64 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो ये सारे जो एग्जांपल्स है मैंने आपको एज अ हिंट दिए, वो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है और होमवर्क में सारे सम आपको सॉल्व करना। ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच।